उम्मीद की चिराग आ रहे हैं, बिहारियों की उम्मीद की चिराग आ रहे हैं, नौजवानों की उम्मीद की चिराग आ रहे हैं और उनसे लोगों को उम्मीद है। इसी आशा के साथ उनके लिए युवा संवाद का आयोजन किया गया। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के 16,000 टीम मेंबर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। हम लोग चिराग जी के सिपाही हैं और आज से नहीं, हमको 30 वर्ष उम्र हो गया। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन। चिराग पासवान आज औरंगाबाद के दौरे पर हैं और चिराग पासवान कुछ बस महज थोड़ी देर बाद जो है इस रास्ते से गुजरने वाले हैं और देखिए कितना हुजूम जो है युवाओं का चिराग का इंतज़ार जो है वो कर रहा है। और ये जो पूरा कार्यक्रम जो है वो फ्रेंड्स ऑफ हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा की तरफ से बुलाया गया है। प्रकाश चंद्रा जी चिराग आ रहे हैं, कितना उत्साह आप में है और यहाँ के युवाओं में है? उम्मीद की चिराग आ रहे हैं, बिहारियों की उम्मीद की चिराग आ रहे हैं, नौजवानों की उम्मीद की चिराग आ रहे हैं और उनसे लोगों को उम्मीद है। इसी आशा के साथ उनके लिए युवा संवाद का आयोजन किया गया। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के 16,000 टीम मेंबर्स उनका इंतजार कर रहे हैं और उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब कभी भी बिहार की जनता, बिहार के युवा ने आपको मौका दिया तो आप यहाँ के युवाओं के लिए क्या करेंगे? क्या बिहारियों को राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ेगा? क्या हेल्थ सिस्टम यहाँ का सुधरेगा? क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? और रोजगार के न मिलने के कारण जो हमारे अंदर युवाओं के अंदर हताशा है उसे आप कैसे दूर करेंगे? इसी संवाद के लिए उनको यहाँ पे युवाओं ने बुलाया है। आज सभी जाति, सभी वर्ग के और सभी पार्टी के युवा यहाँ पे हैं और इस उम्मीद के साथ हैं, वो चिराग को अपनाना चाहते हैं कि वो जरूर अंधकार एक न एक दूर भगाएंगे। मतलब कि आज औरंगाबाद के युवा जो हैं वो चिराग से सवाल करेंगे और चिराग जवाब देंगे, ये उम्मीद का सवाल करेंगे। उनसे पूरा भरोसा है, लोगों को, युवाओं को यह भरोसा है कि ये युवा अगर मौका मिला तो जरूर एक न एक दिन बिहारियों की किस्मत को बदलेगा। इस उम्मीद के साथ लोग उनसे प्रश्न पूछ करके आश्वस्त होंगे और अगले आम सभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिधर चिराग होंगे जीत उसकी होगी, इसको लिख लीजिए। मौजूदा सरकार भी तो रोजगार दे ही रही है। सरकार की तरफ से कहा गया 1 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियाँ बांटी गई, ये उपलब्धि रही है कहा जा रहा है। सांच को आज क्या, ऊंट के मुंह में जीरा डाल रहे हैं आप। यहाँ पे जितने युवा हैं पूछ लीजिए कितनों को रोजगार मिला, कितनों को रोजगार मिला भाई? चिराग देंगे रोजगार? रोजगार मिला? नहीं मिला तो चिराग दे देंगे? बिल्कुल रोजगार, रोजगार देखिए, रोजगार सृजन करने के लिए आपके पास भी होना चाहिए। आपके पास SEZ नहीं है, उद्योग धंधे यहाँ आ नहीं रहे, बिहारियों का प्लान आप कैसे रोकेंगे? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल नहीं है, लोग इलाज कराने के लिए अभी भी दिल्ली और साउथ इंडिया जाते हैं। आपको यहाँ पे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना चाहिए। शिक्षण संस्थान, आप जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे पंजाब का यूनिवर्सिटी हो या फिर इंदौर का यूनिवर्सिटी हो, बिहारियों से भरा होता है। दक्षिण भारत के जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, बिहारियों से भरा होता है। अगर वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज यहाँ हो जाएँ, बिहारियों को बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? बिहार का धन बाहर क्यों जाएगा? इसको रोकने की ज़रूरत है। एक और चीज़ आप समझिए कि बिहार की प्रतिभा पलायन कर रही है। हम बिहार के प्रतिभा के ड्रेनेज को रोक नहीं पा रहे हैं, हम उसके रिसाव को रोक नहीं पा रहे हैं। उसको रोकना होगा, बिहार की प्रतिभा को बिहार में रोकना पड़ेगा, बिहारियों के लिए उसका उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन एक ठीक है, आपको लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि चिराग जी आएंगे तो नौकरियां मिलेंगी? जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। लग रहा है? लग रहा है ना। चलिए एक 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 चीज़ और मिले, लेकिन लोकसभा के चुनाव होंगे लेकिन चिराग पासवान की जो पार्टी है औरंगाबाद में लड़ती ना, तो आप लोग चाहते हैं कि पार्टी जो है यहाँ से भी चुनाव लड़े? बिल्कुल चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कि चिराग जी को साहस दिखाना चाहिए। बिहार को तीसरे विकल्प की ज़रूरत है। लोग हताश हैं, समीकरणों से लोग हताश हो चुके हैं। मजबूरी बस एक धर्म विशेष के लोग किसी दल से जुड़े हुए हैं, मजबूरी बस जाति विशेष के लोग किसी से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म निरपेक्ष और जाति निरपेक्ष लाइन पर बिहार के विकास की लकीर खींचने की कोशिश करे, उसके साथ पूरा बिहार होगा। बाबा जी कहाँ इस धूप में आप यहाँ पर खड़े हैं? हम लोग चिराग जी के सिपाही हैं और आज से नहीं, हमको 30 वर्ष उम्र हो गया, स्वर्गीय रामविलास पासवान के टाइम से हैं। और जो प्रकाश जी का नेतृत्व में तो पूरा जिला चल रहा है, हम लोग पहले से मांग कर रहे हैं कि यहाँ लोकसभा का सीट जो है कारा काट आप दीजिए और बहुत मतों से डॉक्टर प्रकाश चंद्र यहाँ जीतेंगे। अच्छा, कितना उत्साह है, चिराग जी आ रहे हैं लेकिन एक है आगामी लोकसभा चुनाव होना, औरंगाबाद सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ती नहीं है? जितना भी कहा जाए उतना कम पड़ रहा है। और पूरा औरंगाबाद जिला में प्रकाश भैया जी सर, कोई भी नेता, पूरा औरंगाबाद जिला में हम बताते हैं, या विधानसभा हो या लोकसभा हो, प्रकाश जी ऐसा नेता कोई नहीं मिलेगा। चलिए
चलिए आप देख सकते हैं इस वक्त थोड़ी देर बाद चिराग पासवान जो है वो औरंगाबाद पहुंच जाएंगे और उनके स्वागत में औरंगाबाद की सड़कों पर जगह जगह जो है वो युवा खड़े हैं माला लेकर और स्वागत जो है वो किया जाएगा। आखिरी सवाल प्रकाश चंद्र जी, चिराग जी आएंगे, सवाल जो है युवा पूछेंगे, चिराग जी जवाब भी दे देंगे, लेकिन फिर मेरा सवाल वही कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती तो है नहीं, चिराग जी को साहस दिखाना चाहिए। दिखाना आप कहेंगे अपने नेता से कि साहस दिखाइए? बिल्कुल, उनको काराकट या औरंगाबाद दोनों में से एक सीट लेना चाहिए, मगध में हमारे पार्टी के प्रेजेंस होना चाहिए। चलिए, मगध में चिराग पासवान की पार्टी का प्रेजेंस जो है होना चाहिए, प्रकाश चंद्रा जी कह रहे हैं औरंगाबाद जिले के कद्दावर नेता है। फिलहाल हम ये वीडियो जो है यहीं पर एंड कर देते हैं।